महाप्रबंधक ने भटनी वाराणसी सिटी रेल खंड का विंडो ट्रेलिंग एवं वाराणसी सिटी स्टेशन का किया निरीक्षण। वाराणसी बिंदु प्रकाश पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर आज 1 जुलाई 2024 को भटनी वाराणसी सिटी विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण कर इस खंड पर दोहरीकरण कार्यों की प्रगति, मानसून के मौसम में सुरक्षित एवं संरक्षित रेल संचालन हेतु अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया, साथ ही सिग्नल की दृश्यता को दुरुस्त बनाए रखने का भी निर्देश दिया। विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर ने इस खंड पर संरक्षा के साथ साथ इस खंड पर चल रहे विकास कार्यों से संबंधित दोहरीकरण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। अपने निरीक्षण के क्रम में सुश्री सौम्या माथुर कृषक एक्सप्रेस से विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण करते हुए अपराह्न वाराणसी सिटी स्टेशन पहुंची। वाराणसी सिटी स्टेशन पर महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर ने वाराणसी सिटी स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने सिटी स्टेशन के विस्तार के साथ नवीनीकृत प्रवेश द्वार, सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार, प्लेटफार्मों के शेड, नए पे एंड यूज प्रसाधन का निर्माण तथा यात्रियों की सुविधा हेतु प्रतीक्षालय का सौंदर्यीकरण, बैठने की व्यवस्था, क्लोसाइन स्टेशन नाम बोर्ड, साइनेज, वाटर ड्रेनेज, नवनिर्मित आरक्षित अनारक्षित टिकट काउंटर भवन तथा अमृत भारत स्टेशन परियोजना के अंतर्गत किए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। अमृत भारत योजना के अंतर्गत 59.87 करोड़ की लागत से वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित कर अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की कार्य योजना एवं प्रस्तावित आरेख ब्लूप्रिंट एवं विकास हेतु चिन्हित स्थानों का भौतिक निरीक्षण किया। अमृत भारत योजना के अंतर्गत उन्होंने वाराणसी सिटी स्टेशन के भवन के सुंदरीकरण, सर्कुलेटिंग एरिया के विस्तार, सुंदरीकरण, नए भवन में स्थापित आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट काउंटरों ATVM QR स्कैनर का, यात्री सुधार समेत यात्री सुख सुविधाओं के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया और UTS काउंटर की कतार में पीछे खड़े यात्रियों को उनका टिकट ATVM मशीन से स्वयं बनाने हेतु प्रेरित कर अल्प समय में टिकट बनवाया। इस अवसर पर एक औपचारिक वार्ता में महाप्रबंधक सुश्री माथुर ने बताया कि वाराणसी सिटी पूर्वोत्तर रेलवे का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, जिसे अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने कार्य प्रगति पर है। सिटी स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु नए प्रतीक्षालय, नए यात्री आरक्षण केंद्र भवन एवं पे एंड यूज प्रसाधन के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वाराणसी सिटी स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु पुराने PRS केंद्र एवं पार्सल कार्यालय का लैंडस्केपिंग का कार्य प्रगति पर है। महाप्रबंधक सुश्री माथुर ने सिटी स्टेशन के विकास हेतु 12 मीटर के पैदल उपरिगामी पुल एवं शेष निर्माण कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूरा करने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री विनीत कुमार श्रीवास्तव, मुख्य परियोजना प्रबंधक गतिशक्ति श्री कौशलेश सिंह पंच, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर समन्वयक श्री राम राकेश रंजन, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर बातीन श्री अनुज वर्मा, वरिष्ठ मंडल के वाणिज्य प्रबंधक श्री शेख से रहमान, वरिष्ठ मंडल परिचालन ल प्रबंधक श्री अजय प्रताप सिंह, वरिष्ठ आ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर श्री रजत प्रिय, वरिष्ठ मंडल से कार्मिक अधिकारी श्री समीर शापॉल, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर सत सामान्य श्री पंकज केशरवानी है, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री एस नही रामकृष्णन, उप मुख्य इंजीनियर गतिशक्ति श्री IC से सुभाष, मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री या रमेश पांडे एवं वरिष्ठ रेल गयर अधिकारी उपस्थित थे।